यूपी में चुनाव का दौर है, सभी पार्टियां लगातार रैलियां कर रही हैं। इसी बीच सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ। आइए जानते हैं उन्होंने इस हमले के बाद क्या कुछ कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश और षड्यंत्र के तहत गिरोह बंद होकर के आज मेरे निर्धारित रूट पर चल रहे रोड शो कार्यक्रम पर हमला किया, जिसमें मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। मेरी गाड़ी को तोड़फोड़ दिया गया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को तोड़ दिया गया और बुरी तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया। दर्जनों लोगों गंभीर चोटें आई हैं, किसी के कान फटा, किसी का सर फटा, किसी का दांत टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर टूटे। इस तरीके से जो इन्होंने आज निंदनीकृत किया है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। और साथ ही साथ मैं भाजपा को इस बात की चेतावनी भी देता हूँ कि लोकतंत्र को लाठी डंडे कट्टे मारपीट और हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। जनता इसका संज्ञान भी ले रही है और इसका जवाब भी देगी। आरपीएन सिंह जो भाजपा में नए नए शामिल हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी बौखलाहट में सब करा रही है, उनका प्री प्लांट है। हमारे क्योंकि गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इसलिए आरपीएन अगर अंधे न हो तो वो भी आके देख सकते हैं। और आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, आपको हर चीज़ कवर करने की छूट है, कुछ भी कवर कर सकते हैं। अभी एडिशनल एसपी आकर के सब देख गए, एडिशनल डीएम एडीएम भी साथ में थे, आप लोग भी गाड़ियां भी खड़ी हैं, उसका देख सकते हैं। मेरी गाड़ी का क्या हालत क्या है उसे भी आप देख सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ता सभ्य होते हैं, वो जितने सभ्य होते हैं उनकी सभ्यता दिखाई पड़ गई और वीडियो सबका है। अब मैं अभी उस वीडियो को आपके मोबाइल पर डलवा भी देता हूँ। जिसके बाद भाजपा की ओर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें भाजपा के कैंडिडेट सुरेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सही बात यह है कि वह हार से घबरा गया है और अपने साथ में जितनी भी गाड़ियां लेके चल रहा है, सब गाड़ियां बाहरी नंबर की हैं, 5000 नंबर की हैं, 32 की हैं, 80 नंबर की गाड़ियाँ हैं वो, और सारे बाहरी गुंडे लेके घूम रहा है वो। काफिला हम लोगों का बहुत लंबा काफिला था, वह देख करके उसको ईर्ष्या हुई और उसके गुंडे जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए। उसमें हम लोग की काफ़ी सारी गाड़ियां टूटी हुई हैं, चोटें आई हैं, एक लड़का जो है भर्ती है अस्पताल में। तो हमें तो यह लगता है कि वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो। लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि वह बाहरी है तो किसी भी कीमत में उसको छोड़ूंगा नहीं। उसका मैं गर्दन पकड़ लिया हूँ अपने हाथ से और 3 तारीख को उसे गर्दन को ऐंठ दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। उसको खुली चुनौती हमारी है, उसको उसकी लड़की मिली थी वहाँ दुबौली में, वह लड़की जो है लाठी लेकर घूम रही थी, संगमित्रा मौर्य उसकी बेटी का नाम है, जबकि भाजपा का सांसद है वो, भाजपा ने उसको बनाया सांसद, उसकी लड़की जो है लाठी ले घूम रही है। मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से उसको, उसके लोगों को, उसके गुंडों को कि फाजिल विधानसभा जो है शांतिप्रिय विधानसभा है, वो आकर के जो माहौल बनाया है इसकी सजा उसको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, यहाँ की जनता देगी 3 तारीख को। जिसके बाद बीजेपी सांसद संगमित्रा बोली, बीजेपी के लोगों ने उनके पिता पर हमला किया है। पथराव की घटना के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। समर्थकों ने गोडरिया बाजार में सड़क जाम कर दी। इसके बाद सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य मौके पर पहुंचे थे, वहीं पर उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के काफिले पर हमला हुआ है, ये सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भाजपा शांति और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, आज उनके प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। फाजिल नगर की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को जीत दिलाकर गुंडई का जवाब देगी।